हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बात करने वाला हूं भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो उसके बारे में और पूरी जानकारी आपको एक बार देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन लाल बटन क्लिक करना होगा, और साथ में जैसे उसके बाजू में बेल आइकन आता है तो उसको भी एक बार आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पर ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल, भारत सरकार का उपक्रम। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो डिटेल यहां पर दी हुई है आप उसके एक बार वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर योग्यता की। तो योग्यता की मैं आप यहां पर बात करूँ तो आपके पास 10वीं पास हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास NCVT से मान्यता प्राप्त ITI होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास 60% न्यूनतम अंक होने चाहिए ITI में, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये छात्रों के लिए 55% अंक होने चाहिए ITI में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर 10th में कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं है, तो आपके पास कितने भी परसेंट है आपके 10th में, आप इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ यदि आपके पास ITI किसी और जो है विभाग से आपने ITI किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए अमान्य हैं। ठीक है दोस्तों, आप आवेदन इसमें नहीं कर सकते यदि आपने किसी और संस्था से ITI किया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों बात करता हूँ रिक्तियों की संख्या और किस किस विभाग में यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं एक बार, विद्युत फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कंप्यूटर, कोपा पास, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आदि आदि पोस्टों में यहाँ पर प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह में यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल रिक्तियों की संख्या भी यहाँ पर आप लिखी हुई देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर जो से भी आपकी फील्ड है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नीचे और बात करते हैं तो यहाँ पर आरक्षण एवं आयु की छूट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या केवल अनंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दी हुई है जिसे आप वीडियो को पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन आप यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है इस पर जाकर आवेदन आप कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप www.vacancy.co.in पर जाकर भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर और इससे संबंधित दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो यहां पर आवश्यक दस्तावेज से संबंधित आपको यहां पर जानकारी दी हुई है, तो आप इन्हें भी एक बार देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश इसे भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इतनी ही जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पर उपलब्ध करा पाऊंगा। इसके साथ यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और गवर्नमेंट जॉब न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।